दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक के मार्ग में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है और इन्हीं बाधाओं में से एक है यमलोक के मार्ग में पड़ने वाली वैतरणी नदी। तो आइए जानते हैं कि वैतरणी नदी कैसी है और पापी आत्माओं को यहाँ किस प्रकार की यातनाओं से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हिंदू पुराणों और ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के आरंभ काल से ही पृथ्वी लोक पर जीवन चक्र चला आ रहा है, यानी जिसने भी इस पृथ्वी लोक में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। और ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत अपने साथ यमपुरी ले जाते हैं। लेकिन पृथ्वी लोक से यमलोक की यात्रा जीवात्मा के लिए बड़ी ही कठिन होती है, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। गरुड़ पुराण के धर्मकांड के प्रेतकल्प अध्याय के अनुसार एक दिन पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, मृत्युलोक और यमलोक के बीच जो वैतरणी नदी स्थित है उससे जीवात्मा का क्या संबंध है और उन्हें इस नदी में किस तरह की सजा भुगतनी पड़ती है और पापी आत्मा इसे कैसे पार करते हैं। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे गरुड़, यमलोक के मार्ग में स्थित वैतरणी नदी देखने में बड़ी ही भयानक है और जो भी पापी आत्मा मरने के बाद इस नदी से होकर गुजरती है उसे बड़ा ही भयभीत कराती है। यह भयानक नदी पीव और रक्त रूपी जल से परिपूर्ण है। इतना ही नहीं, यह नदी मांस और कीचड़ से भी भरी हुई है। यह नदी पापियों को देखकर कई तरह के भयाक्रांत स्वरूप को धारण कर लेती है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गरुड़, कुछ जीवात्माएं ऐसी भी होती है जिन्हें मृत्यु के पश्चात इसी वैतरणी नदी में रहना पड़ता है, जैसे कि जो अपने जीवन काल में आचार्य, गुरु, माता पिता एवं अन्य वृद्ध जनों की अवमानना करते हैं उसे इसी महानदी में रहना होता है। इसके अलावा जो जीवात्मा अपने जीवन काल में अपनी पतिव्रता सुशीला और धर्म परायण पत्नी का परित्याग करते हैं उनको सदैव के लिए उसी महाघिनौनी नदी के जल में वास करना होता है। साथ ही जो जीव आत्मा जीवित रहते हुए अपने स्वामी, मित्र, तपस्वी, स्त्री, बालक एवं व्रत का वध करते हैं वो इसी महानदी में ही गिरते हैं। साथ ही आग लगाने वाला, विष देने वाला, झूठी गवाही देने वाला, मध्य पीने वाला, यज्ञ का विध्वंस करने वाला, राजपत्नी के साथ गमन करने वाला, जुगलखोरी करने वाला, कथा में विघ्न करने वाला, स्वयं दी हुई वस्तु का अपहरण करने वाला, खेत की मेड़ और सेतु को तोड़ने वाला, दूसरे की पत्नी को प्रदर्शित करने वाला, प्यासी गायों की बावली को तोड़ने वाला, कन्या के साथ व्याभिचार करने वाला, कपिला का दूध पीने वाला शूद्र तथा मांसभोजी ब्राह्मण मरने के बाद वैतरणी नदी में वास करते हैं। इन सब के अलावा अहंकारी, पापी तथा अपनी झूठी प्रशंसा करने वाला, कृतघ्न और गर्भपात करने वाला वैतरणी में निवास करता है। परंतु इन पापी जीवात्माओं में से जिसने मकर और कर्क संक्रांति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, संक्रांति, अमावस्या अथवा अन्य पुण्य काल के आने पर श्रेष्ठतम दान दिया हो उसे एक निश्चित समय के पश्चात इस नदी से यमदूतों के द्वारा निकाल लिया जाता है। इसलिए प्राणियों को चाहिए कि वह जीवित रहते दान करें और धर्म का संग्रह करें। इसके अलावा जो जीवात्मा जीवित रहते हुए गोदान करता है उसे भी इस नदी की यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए हिंदू धर्म में मृत्यु से पहले गोदान कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गोदान करने से मनुष्य उसी गाय की पूंछ पकड़कर उस नदी को पार करता है और उसे सुकर्म के प्रभाव से ऐहिक और परलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए दोस्तों, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन काल में अधिक से अधिक धर्म का संग्रह करे, जिससे कि उसे मृत्यु के बाद किसी तरह का कष्ट ना झेलना पड़े। आशा करते हैं कि आपको गरुड़ पुराण की यह गूढ़ बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसे अपने तक ही सीमित ना रखें, बल्कि अपने दोस्तों एवं प्रियजनों के साथ भी शेयर करें और ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को। और इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त होती है। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।